परसों हमारे पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत जी ने मुझे समाचार पत्रिका के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मालूम चला कि उन्होंने कांग्रेस पे और हम जो पार्षद दल के साथ हम गए थे समूह लोन की किस्तें आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए उन्होंने आज समाचार पत्र के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा। मैं आदरणीय पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी से कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने समूह लोन माफ कराने के लिए ज्ञापन नहीं दिया। आप हमारा पहले ज्ञापन देखें। हम लोगों ने समूह लोन को 3 महीने आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि हमारे शहर में अधिकतर लोग सब मजदूरी करते हैं, सब छोटे तबके के लोग इसमें हैं और इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई महिला के साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाए, कोई महिला हमारे शहर की बहन बेटी आत्महत्या आत्मदाह कर ले। इसलिए हम लोगों ने एक प्रयास करके हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था और एसडीएम साहब ने हमको और पार्षद दल को आश्वस्त करा था कि मैं उसमें निर्णय लेके और जो भी समस्या है उसको मैं 2-3 महीने के लिए, हमारा उद्देश्य ये है। शेखावत जी को मैं विनम्र निवेदन से कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने जो हम पे आरोप लगाए, जो कृषि मंत्री पे आरोप लगाए, उन्होंने हमारे कृषि मंत्री आदरणीय सचिन यादव जी पे भी आरोप लगाए कि किसानों के लोन माफ नहीं हुए हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पहले चरण में हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये के किसानों के ऋण माफ करे हैं, दूसरे चरण में हमने 1 लाख रुपए के ऋण माफ करे हैं। चूंकि पिछले दरवाजे से यही लोगों ने हमारे यहाँ घुस कर इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करके और कूटनीति से हमारी सरकार को गिरा दी, तो आप अगर हमारी सरकार अभी होती तो आप देखते हम 2 लाख रुपए वाले लोन भी हम माफ कर देते। जहाँ तक स्वतः समूह का मामला है, समूह लोन कांग्रेस ने कभी ये नहीं बोला है कि हम समूह लोन को माफ करेंगे। हम लोगों ने सरकारी संस्थाएं जो स्व सहायता समूह है उसके लोन हमारी सरकार ने माफ करे हैं और आगे भी करती रहेगी। तो मेरा शेखावत जी से विनम्र निवेदन है कि आप पहले हमारा ज्ञापन देखें भाई साहब, उसके बाद हमारे कांग्रेस पे और पार्षद दल पे टीका टिप्पणी करें। मैं पुनः नागदा की माताओं बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे पास आ जाए। समूह लोन हम कैसे भी हम लड़ के भिड़ के हम सब पार्षद दल और पूरी कांग्रेस आप लोगों के साथ है। आप माताओं बहनें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जरूरत आने पर हमको कुछ भी करना पड़े पर हम ये लोन को 3 महीने तक आगे बढ़वाएंगे। साथ ही जो बजाज का लोन है वो लोन भी लोगों को बहुत परेशानी का कारण बन रहा है। बजाज वालों लोन वालों से भी जो माताएं बहनें उनसे भी निवेदन है कि डरने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों को बोल रही कि हमारे सीआर खराब हो जाएगी, चेक बाउंस हो जाएगा, हम आप लोगों को थाने में बंद कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग सभी आप लोगों के साथ हैं, पूरी कांग्रेस आप लोगों के साथ है। आपको चिंता न कीजिए और आप लोगों के जो लोन है 3 महीने तक आप मत भरिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप सबको उदित है कि परसों दिन श्री शेखावत जी ने, पूर्व हमारे जो विधायक साहब है, उन्होंने मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि कांग्रेस पार्षद वो कांग्रेस के लोग गरीब लोगों के साथ जो छलावा कर रहे हैं वो ना करें। जैसे हमको विधायक जी को बता देना चाहते हैं, शेखावत जी आपने जो हम पे जो आरोप लगाया है वो बिना निराधार है और लोगों में भ्रम की वो आप स्थिति पैदा कर रहे हैं। विशेष करके बीजेपी का काम ही है, मतलब है कि गलत को ऐसा बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश करना है ताकि उसको लोग गलत को लोग सही मान ले। जबकि हमारे विगत जो विधानसभा चुनाव में भी हमारा कांग्रेस की ओर से किसी ने भी समूह को माफ करने का ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था और ना ही और कोई इसे हमने को प्रलोभन दिया था। मगर हमारे विधायक साहब ने बोला ना तो हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है, ना हमने किसानों को कर्जा माफ किया है और ना ही हमने बोला कोई लोन माफ किया। मगर बता देना चाहते हैं हमारे उनको, हमारे जो वर्तमान जो विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत गुजर साहब, उन्होंने हमारे कृषि मंत्री श्री यादव जी के यहाँ पे नागदाम बुलाया गया था और उन्होंने अपने स्वयं हाथों से लोगों के अपने कर्ज माफी माफ की थी। पहली किस्त 50,000 वाली उन्होंने माफ की, दूसरी किस्त 1 लाख रुपए वाली माफ करी और हमारी दूसरी जो तीसरी जो किस्त थी हम पूरे प्रदेश लेवल पे हमारे माननीय श्री सचिन जी यादव जी द्वारा पूरे प्रदेश में हम 2 लाख का भी कर्जा माफ करने के उसमें थे। मगर एन के एन तरीके से भाजपा ने हमें मतलब पीछे के दरवाजे से हमारे कांग्रेस के लोगों को और हमारे कांग्रेस की पीठ पे छुरा घोंपने वाले सिंधिया जी ने उनके अपने निजी स्वार्थ के कारण कांग्रेस के हमारे विधायकों को बरगला के उनको कर्नाटक ले गए और उन्होंने हमारी सरकार गिराई। इस कारण हम जो नगर के अंदर
हम जो या हमारे प्रदेश में हम लोगों का 2 लाख का कर्जा हम माफ करना वाले मगर किसी कारण नहीं कर पाए। और साथ ही हम बता देना चाहते हैं कि इनको के नगर में और पूरे प्रदेश के अंदर हमने युवाओं को 4,000 रुपए जो माह का जो हमने वादा किया था हमने वो भी जगह समय समय पर उन लोगों को हमने 4,000 महीने का हमने उनको जो मेन था ना हमने दिया और स्व सहायता समूह वो भी हमने माफ किया। पूर्व विधायक जिसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा, जब से हम लोग इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आए हैं तो मैंने 2015-16 के अंदर आपको देखा है, श्रेय लेने का बहुत शौक है आपको। 2016 के अंदर भी आपका प्रतिनिधिमंडल जो जिलों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिला था और पूरे नागदा शहर के अंदर एक आपने हवा फैला दी थी कि हमने जिले की बात उठाई है। मेरा आपसे अनुरोध है, पहली बात तो हमारे जो वर्तमान विधायक है उन्होंने चुनाव प्रचार के अंदर स्व सहायता समूह का बोला था, समूह लोन का नहीं बोला, फिर भी आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप जनता के अगर इतने हितैषी हैं तो आपके नेतृत्व में वर्तमान विधायक दिलीप सिंह जी गुजर को एक समूह लोन माफ करने के लिए ज्ञापन प्रेषित करें और वह ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और उसकी प्रतिलिपि भी आपको दी जाएगी। हम तो ये चाहते हैं कि जो महिलाएं जो परेशान हो रही है आज समूह लोन की वजह से, आज पत्नी पीड़ित होगी, पत्नी की वजह से पति पीड़ित होगा, कहीं ना कहीं घर के अंदर अराजकता फैलेगी, विवाद होएगा, जिससे कि जनहानि होने की संभावना है। हमने कोशिश करी है कि कहीं इनका जो समूह लोन है वो 3 महीने तक आगे बढ़ जाए और SDM साहब से हमने अनुरोध भी करा है कि SDM साहब आप जो ब्याज है ये ब्याज नहीं लगा और SDM साहब ने आश्वस्त भी करा था हम लोगों को कि मैं जो संबंधित बैंक शाखा हैं उन लोगों को आदेश करके और जो 3 महीने की किस्त इनको आगे बढ़ाई जाएगी और मैं कोशिश करूंगा इनका ब्याज नहीं लगे। जय हिंद जय भारत। मैं आज अपने चेतन गांधी के ऑफिस में कार्यालय में इतना कहना चाहूंगा, चलो अगर हमारे विधायक जी ने समूह लोन नहीं किया हम मानते चलो उन्हें बोला था, पर अगर आप भी तो हो, आपकी सरकार है, आप चलो मैं कहता हूँ और हमारे पार्षद दल आपसे करते हैं निवेदन करते हैं कि आप समूह लोन माफ करके दिखाएं। अभी हम सब पार्षद दल ने चेतन भाई और हम सब एक ज्ञापन दिया था समूह लोन के बारे में, तो उसको ज्ञापन में हमने उसको मतलब महिलाएं उसको किस्तें नहीं भर पा रही थी लॉकडाउन के कारण, इसलिए उसको हमने 3 महीने आगे बढ़ाने के लिए किस्तें की जाए। अभी उसी का पलटवार पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी ने किया, वो हमारे विधायक जी को बोलते हैं दिलीप गुजर जी को कि समूह लोन वगैरह ये इन्होंने वादा करा तो माफ नहीं करा। क्या आपके सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिए थे? इन्होंने भी वादा किया था लोगों से कि 15 लाख रुपए में अगर बन जाते हैं तो 15 लाख दिए जाएंगे, तो 15 लाख रुपए दिए क्या? पहले अपने वादे पे ध्यान दे फिर आगे की बात करें। भाई हमने तो उसको आगे बढ़ाने के लिए 3 महीने के लिए बोला था। जय हिंद जय धन्यवाद।